सबसे पहले मैं एक BSc कंप्यूटर साइंस का बच्चा हूँ। मैं इम्पीडेंस गुरुकुल में ज्वाइन करना बोल के मेरा गोल था। 1 मंथ थोड़ा बेड रेस्ट ले लेके, पूरा ट्रीटमेंट ले लेके फिर मैंने कम बैक किया। एक बात, मेरा बिलीफ कभी भी छूटने नहीं दिया। और एनालिसिस करते करते और टेस्ट देते देते और क्लास सुनते सुनते ये NIT तिरछी। चलिए एक और नए टॉपर से मिलते हैं, बाला साईनाथ से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 47 है, जो कि हैदराबाद से हैं। इन्होंने क्लासरूम स्टडी की हुई है और इन्होंने 47 रैंक किए अचीव और इन्होंने ड्रॉप लिया था। तो बाला, पहले सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं ऑल इंडिया 47 रैंक के। थैंक यू सर। और ये जो आपने ड्रॉप लिया और आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी जो है, क्योंकि बीच में आप बीमार भी पड़े, फिर भोपाल से आपको बीच में घर भी जाना पड़ा। इनफैक्ट बाला साईनाथ जो है 1 महीने बेड पे भी रहा, उसके बाद फिर से रिकवरी की। तो मैं चाहूँगा आप अपनी सक्सेस जर्नी, इंटायर जर्नी बताएं। अच्छा, सबसे पहले मैं एक BSc कंप्यूटर साइंस का बच्चा हूँ। मैं तो मुझे NITs में MCA होता बोल के मुझे अवेयरनेस ही नहीं था। तो मैं NIMCET 2021 में दिया था, जब मगर उतना अवेयरनेस नहीं था, उसका सिलेबस भी उतना अवेयरनेस नहीं था मुझे। तो सबसे पहले मेरा NIT तिरुची में गोल नहीं था। मुझे NIT तिरुची ज्वाइन करना बोल के मेरा गोल ऐसा नहीं था। इम्पीडेंस गुरुकुल में ज्वाइन करना बोल के मेरा गोल था। क्यों बोले तो एक इम्पीडेंस गुरुकुल एक स्टैंडर्ड रिजल्ट दे रहा और एक जेन्यून इंस्टीट्यूट है बोल के मुझे यूट्यूब पर रिसर्च करे तो पता चल गया। फिर इम्पीडेंस गुरुकुल ज्वाइन करने के बाद मैं घर छोटा है थोड़ा, तो घर पर पढ़ाई नहीं होती बोल के मैं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के लिए मन था मुझे। मैं ऑफलाइन भोपाल आ गया था। भोपाल आने के बाद अनफॉर्चुनेटली 1.5 मंथ के बाद मेरा हेल्थ इश्यूज़ थोड़ा ज़्यादा हो गए थे, तो उस कारण से मैं बैक टू होम गया था, मेरा होम चला गया था। तो उसके बाद मैं 1 मंथ थोड़ा बेड रेस्ट ले लेके, पूरा ट्रीटमेंट ले लेके फिर मैंने कम बैक किया। और मैं टेस्ट पेपर्स जो है मैं रेगुलरली जो टाइम मेंशन हो वो उस टाइम भी देता था, और एनालिसिस भी उसके टेस्ट होने के बाद 3-4 घंटे कैसे तो भी गेट से बैठ जाता था। एनालिसिस करते करते और टेस्ट देते देते और क्लास सुनते सुनते ये NIT तिरछी मिल गई। देखिए, अभी साईनाथ ने कुछ बातें बोली कि जब इसका मेडिकल इशू आया तो पहले घर गया, 1 मंथ रुका, फिर उसके बाद इसने प्रिपरेशन का मॉडल वही रखा जो भोपाल गुरुकुल में था और उसी मॉडल को फॉलो किया। तो साईनाथ, जब आप घर गए, बीच में ये हेल्थ इशू आए, तो कहीं मन में डर तो नहीं आया था आपके? डर आया सर, जब मैं जाते समय आप एक बात बताए थे, देखो बेटा थोड़े बच्चे ऐसे भी है, दिसंबर में ज्वाइन कर लेके NIT तिरछी में सिक्योर कर लिए, आप भी ऐसे ही रहना। तो एक बात, मेरा बिलीफ कभी भी छूटने नहीं दिया, वो एक बात। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है साईनाथ। अच्छा, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या बोलोगे उनको? क्योंकि कई बार कई लोग डरते हैं, कई बार कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, स्ट्रगल आता है लाइफ में, तो इमीडिएटली पढ़ाई छोड़ देते हैं, पर आपने वो नहीं छोड़ी और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी, उसी का ये रिजल्ट है। तो क्या मैसेज होगा आपका? सबसे पहले अपना ऊपर अपन बिलीव कर लेना। क्यों बोले तो कोई भी अपने ऊपर बिलीव नहीं करता, अपने वजह से अपने डरे तो अपने पेरेंट्स भी थोड़ा डरते और उसके वजह से थोड़ा प्रेशर चले जाते। ऐसा नहीं करना कभी भी। आप डायरेक्ट NIT तिरछी 700 ऊपर मेरा रैंक 1, ऐसा रैंक 2 ऐसा कभी भी नहीं सोचना। अभी कभी भी पहले एक स्टेप मेरे को ये रेंज पे मार्क्स आना और एक स्टेप ये रेंज पे मार्क्स आना। एक मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बोले तो मैं एक क्या बोलते 500 to 600 में ऐसा मेरा ये टारगेट रहता था, 500 to 600 रहना बोल के थोड़ी मायने तक ये टारगेट रहता था, मगर थोड़े दिन के बाद वो हो जाता था, वो उस पर कंसिस्टेंट रहा था मैं। तो मैं उसके बाद क्या किया, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ मार्क्स पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पर्टिकुलर बहुत रैंक्स आते हैं उस पे, तो वो रैंक वो भीड़ को मैं पार करना सोचा था। तो इसलिए मैं कैसे तो भी उसके लिए लास्ट 2 मंथ्स में बहुत स्ट्रगल किया उसके लिए, वो पर्टिकुलर भीड़ जो है ना उससे मैं पार हो जाना। तो जैसा कि उसके वजह से मेरा रैंक थोड़ा अच्छा आता, वो भीड़ में चला गया तो मेरा रैंक भी एक 500-600 ऐसा आ जाता था। तो कभी भी डायरेक्ट NIT तिरछी, NIT सूरत का ऐसा टॉप NITs को एम नहीं करना। तो पहले स्टार्टिंग में आपको एक क्वालिफाइंग मार्क्स, एक एलिजिबल मार्क्स पे स्टार्ट करना। तो ऐसे ऐसे थोड़ा प्रिपरेशन इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ना। देखिए, बिल्कुल सही बात बोली साईनाथ ने कि अगर आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं तो फिर आपके पेरेंट्स भी आप पे बिलीव नहीं करेंगे, आपके सराउंडिंग भी बिलीव नहीं करेंगे। तो किसी भी सक्सेस की पहली जो की होती है ना, वो होता है सेल्फ बिलीव। जब आपको अपने ऊपर भरोसा होगा तो डेफिनेटली आप कुछ अच्छा कर सकते हो। तो साईनाथ, आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई, वंस अगेंस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स।